EPCH द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स विजन 2030 सिंबोलिज्म का आयोजन किया गया। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर के जाने माने हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर बाबूलाल दोषी जी। सर, सबसे पहले 10 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अगर हम विचार मंथन की बात करें तो 3 से 3 गुना का नारा लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए और आने वाला टाइम भी इंडिया का है। तीन ही में तो कहता हूँ 300 टाइम करना चाहिए। देखिए सर, आप एक विचार हुआ है, एक परिचर्चा हुई है कि आने वाले 7 सालों में जो हैंडीक्राफ्ट के डिजाइन है, उसकी पैकिंग है और आर्ट है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना ये जरूरी था आपके लिए? बिल्कुल, आने वाला टाइम इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है और हम लोग जो क्वालिटी बना रहे हैं वो चाइना भी नहीं बनाता है। पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में हमारा हिंदुस्तान का माल बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग चाइना में भी बेच रहे हैं और टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट में हम लोगों के पास डिजाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी है और आगे बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम लोगों के पास में यहाँ पर डिजाइन का इतना ढेर है कि हम लोग पुरानी डिजाइन को वापस उसको बना के नई डिजाइन हम डेवलप कर रहे हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ जो है ना इंडिया में देखा जा सकता है कि हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये नहीं कि आप हाथ से बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का मतलब हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को हम सजो के रख रहे हैं और उसे विश्व पटल पर भी पहुंचा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, आज की डेट में जितना भी हिंदुस्तान की हम डिजाइन बना रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वो डिजाइन जा रही है और हम लोग जितनी भी पुरानी डिजाइन है उसको वापस नई करके भेज रहे हैं। जैसे हाथ का काम अभी वेरी डिफिकल्ट होता था, हम उसको मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लॉक प्रिंट का अभी हमारे लिए बहुत थोड़ा है, कम होता है, तो हम उसको स्क्रीन प्रिंट और डिजिटल प्रिंट में कर देते हैं। पर आने वाला टाइम हमारा इंडिया का बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे अच्छा काम होगा। सर, अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। माई नेम इज गिरीश अग्रवाल, आई एम फ्रॉम संकल्प इंटरनेशनल जयपुर एंड वी आर डूइंग फर्नीचर बिजनेस। वी आर एक्सपोर्टिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, US, जर्मनी एंड ऑल अदर कंट्रीज। एंड जो अभी आज का जो हुआ है प्रोग्राम, आज हमारे जयपुर के दिलीप जी चेयरमैन बने हैं और एक बहुत नई जोश से बने हैं और उनका आपने देखा ही है कि उनका 2 साल का टेन्योर है लेकिन वो बात 7 साल की कर रहे हैं। आगे 7 साल की बात कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा विजन है और जो क्वालिटी पर है, डिजाइन पर है और पैकिंग पे है, उनका बहुत बड़ा फोकस है। और हम अब जो काम करने जा रहे हैं वो हम ग्राउंड पे करेंगे। अभी तक जो सारा हो रहा था मीटिंगों में हो रहा था, इसमें हो रहा था, वो हम नहीं करेंगे। हम ग्राउंड पे काम करेंगे, फैक्ट्रियों में जा जाके डिजाइनर को भेजेंगे और पैकिंग का ट्रेनिंग देंगे और स्किल के बारे में डेवलपमेंट करेंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम से कितनी मदद मिलने वाली है आपको? आज के कार्यक्रम से ये आप सबको लोगों को विजन मिला है, अभी उस पर ग्राउंड में काम होगा तो आप देखेंगे कि 1 साल में बहुत फर्क नहीं रहेगा। सर, अगर आने वाले 7 सालों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? 7 साल का जैसे दिलीप जी का नारा है कि हमारे को अपना एक्सपोर्ट जो है 3 टाइम्स करना है, मैं तो कह रहा हूँ अगर इस तरह का विजन रहा तो 3 क्या 4 टाइम्स हो जाएगा। सर, 10 न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।